सो ऐसा नहीं कि हरजीत को ओवरनाइट कोई चीज़ मिली है, और देखिए उसका भी मेहनत करीब आपको मैं बताऊं तो कम से कम 10-11 साल का मेहनत होगा उसका। माई सेल्फ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर देन आई हैव टू बी यू नो वर्सेटाइल। मैं ऐसा सोच के कि मैं सिर्फ हाले दिली बनाऊंगा ऐसा तो नहीं हो पाएगा। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म और आपको मिलवाने जा रहे हैं म्यूजिक कंपोजर सिंगर हर्षित सक्सेना से। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और रोहन भी है साथ में जो गिटार बजाएंगे आपके लिए। जी जी, एंड रोहन मेरे को असिस्ट कर रहे हैं 7-8 ईयर्स से। सो मतलब एक दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग जर्नी। हर्षित, वैसे तो तुलना करना ठीक नहीं है जी, लेकिन जी, फिर भी जी, हाले दिल जैसे ही सॉन्ग जो है गाकर आज अरिजीत के पास बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं करेक्ट टॉप 5 में उनका नाम चलता correct, है correct। तो जब आप अरिजीत को देखते हैं और खुद को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? आपको नहीं लगता कि यार वहां तक हम भी जा सकते थे, या क्या कुछ कमियां, क्या कुछ ज्यादा, क्या कहेंगे अरिजीत से? अगर मैं बता रहा हूँ, अरिजीत का मैंने स्ट्रगल देखा है। अरिजीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अरिजीत वॉज असिस्टिंग प्रीवियस दोस्त था, नहीं अभी भी दोस्त हैं मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ। सो अरिजीत वॉज प्रीवियसली असिस्टिंग ललित जी, ललित पंडित। आफ्टर दैट ही वॉज असिस्टिंग प्रीतम दा, और बहुत साल उसने इसको दिया है। उसका भी आप देखिए तो रियलिटी शो कब आया था, फेम गुरुकुल। हाँ, बिल्कुल। एंड फेम गुरुकुल आई थिंक 2004 ओवर में शायद आया था, और 2007 में कुछ सारे गामा वगैरह इससे। हाँ करेक्ट। सो उसके बाद उसने इतने साल यहाँ पे असिस्ट किया है। जब मैं जाता था, इवन जब हम लोग एज अ सिंगर स्ट्रगल कर रहे थे तो हम लोग कई बार प्रीतम दा के यहाँ गाने गाने जाते थे। तो प्रीतम दा के एक गाने बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं तो हम भी जाते थे। सो उसमें क्या होता था, कई बार मेरे गाने बहुत क्लोज होते थे, मतलब बहुत फेमस सिंगर्स के साथ, कि हर्षित का आएगा या उसका आएगा। तो अरिजीत यूज़ टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, अरिजीत यूज़ टू डू एवरीथिंग। बट उस बंदे की मेहनत है, आप देखिए उस बंदे का फोकस कितना करेक्ट होगा कि उसने इतने साल अपने आप को दिया है और उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को शॉर्टकट लेना है। आज अगर आप अरिजीत के गाने देखिए, मैं हमेशा वही बात करता हूँ कि वर्सेटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसका हर गाना अलग सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि अगर वो रोमांटिक गा रहा है तो वो रोमांटिक ही गाने गाता है वो। अगर आप मैं तेनु समझावा की सुनिए तो आपको ऐसा लगेगा कि राहत फतेह अली खान स्टाइल में वो गा रहा है। आप दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड देखिए, जो इसके जो भी वो गाने गाता है उसको अपनाता है। और इतने सिंगरों को उसने रिकॉर्ड किया है ना, तो उसने सबको पी लिया है, किसका क्या अच्छा है, किसका क्या अच्छा। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। सो ऐसा नहीं कि हरजीत को ओवरनाइट कोई चीज़ मिली है, और देखिए उसका भी मेहनत करीब आपको मैं बताऊं तो कम से कम 10-11 साल का मेहनत होगा उसका, तब वो आज यहाँ पहुँचा है। और उसका आई थिंक फर्स्ट ब्रेक है जो, जहाँ से उसको 2012 तुम ही हो से उसको एक अच्छा जो लाइमलाइट मिली है। अगर आप देखिए तो उसको सक्सेस होते अभी 6-7 साल हुआ है, लेकिन उससे पहले का जो उसका स्ट्रगल था वो बहुत लंबा था। तो हर किसी का समय आता है यहाँ इंडस्ट्री में, बस आप अपने सही रास्ते पे काम करते चले जाओ, वही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हाले दिल आना था तो मेरे पास कुछ नहीं था और सब आ गया। और जब, और उसके बाद शायद मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अब शायद भगवान मेरे को ये दिखाना चाहता है कि बेटा तू अब और मेहनत कर, अब तू और मेहनत कर और तू कितना अपने आप को ग्रूम कर सकता है। सो आई ऑलवेज थिंक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। अरिजीत से मैं कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं सोचता हूँ, बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड सिंगर है। एंड अभी जितनी भी ब्रीड है उसमें मैं सबसे ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट करता हूँ आज, ये जो करंट लॉट आप देखिए तो उसमें अरिजीत इज लाइक द बेस्ट, मैं बोलूंगा जो। चलिए ठीक है भाई, मिला जुला के कहना ये कि सब कुशल मंगल है। सब कुशल मंगल वहाँ भी कुशल मंगल है, यहाँ भी कुशल मंगल है, वहाँ पे भी और इधर भी। आपके पास जो कुशल मंगल है जी, आपके पास जो सब कुशल मंगल है उसके बारे में कुछ बताएं। सर, सब कुशल मंगल के बारे में बताना चाहूँगा, मेरी अभी आने वाली फिल्म है सब कुशल मंगल, और उसमें भी एक सबसे बड़ी बात यह है जो आज आप देखते ही होंगे कि हर मूवी में 5 से 6 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। अब तो ज़माना ऐसा हो गया है कि बिल्कुल एक मूवी अगर एक सोलो कंपोजर को मिल जाए, खासकर अगर वो यंग लॉट का बंदा हो, अनलेस अंटिल बहुत रिनोन्ड म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो इट्स अ वेरी टफ टास्क। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हालांकि मैंने पहले भी सोलो फिल्म्स की हैं, बट ये आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ 2019 में,
यू गेटिंग अ सोलो मूवी इट्स अ बिग थिंग. सो अपार्ट फ्रॉम दैट नितिन मनमोहन जी जो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ अ लाइक द ग्रेट प्रोड्यूसर. इतनी अमेजिंग फिल्म्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं. सो मेरे को पता चला कि ये फिल्म ऐसी ऐसी है और इसका इसके जितने गाने हैं टोटली ऑन स्क्रिप्ट. मतलब इसमें एक भी गाना ऐसा नहीं है कि आजकल होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स के सॉन्ग्स बैंक में होते हैं उसमें से वो कुछ भी चिपका देते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था. सारा गाने हमने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली बनाए. और अक्षय खन्ना जी हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे प्रियांक हैं, रवि किशन की बेटी हैं रीवा जी, और सतीश कौशिक, सुप्रिया पाठक. सो इट्स अ गुड मूवी, बहुत बड़े. एंड मैंने अभी ट्रायल दी मूवी का जिस दिन देखा था, उससे पहले मैंने मूवी देखी नहीं थी. मैंने कहा था मैं डायरेक्ट उसको या तो ट्रायल पे देखूंगा या प्रीमियर पे देखूंगा. इतनी प्यारी मूवी बनाई है. आजकल आप देखिए कॉमेडी भी जो है ना उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ डर्टी पना आ गया है जो आदमी फैमिली के साथ नहीं देख सकता है. ये फिल्म आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं. एंड द वे अक्षय खन्ना एक्टेड, द वे एवरीबडी एक्टेड इन दिस फिल्म, द स्क्रिप्ट एंड सब कुछ टोटैलिटी में बहुत मज़ेदार है. तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ये 3 जनवरी को हमारी फिल्म आ रही है जो कि साल शुरू होते ही है, तो ताकि सबका सब कुशल मंगल हो उस फिल्म से. क्यों ना हो जाए कुछ सब. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इसका आपको गाना सुनाता हूँ, ताता थैया, जो हमको सबसे ज्यादा समय लगा इस गाने को बनाने में. ता थैया इश्क न चाहे थैया, ता थैया इश्क न चाहे, ता थैया उड़ गए तोते, उड़ गए तोते रे. हे रात को सूरज चमके और दिन में दिखता तारा रे, रात को सूरज चमके और दिन में दिखता तारा रे, क्या से क्या हम हो गए रे बाबा बाबा, क्या से क्या हम हो गए हमको. अच्छा ये बताएं कि जब भी आप काम करते हैं जी, तो आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, जैसे मैं हिमेश रेशमिया की बात करूं, प्रीतम दा की बात करूं, ऐसे कहीं विशाल शेखर ग्रुप की बात करूं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक है जो फिल्में पाने की होड़ लगी हुई है. कितना मुश्किल होता है इस तरह की फिल्में अपने पास आपको लाना. सर बहुत मुश्किल होता है, और इतनी सी हमारी इंडस्ट्री है और इतने लोग हैं काम पाने के लिए, तो आपको पता ही है कि आज की डेट में इतना टफ हो गया है. और खासकर जब आपके पास कुछ भी ना हो, सो आपके लिए थोड़ी रास्ता आसान होता है क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम. लेकिन जब आप एक सर्टेन जगह बना लेते हो तब आप इतने पीछे नहीं जा सकते हो. या तो आपको वहीं रह के काम करना पड़ेगा या उससे ऊपर कर पाओगे, उससे पीछे नहीं जा पाओगे. सो थोड़ा सा टफ हो जाता है हम लोगों के लिए. और जैसा आपने बताया कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली होता है. मतलब जितने आप देखिए जितने भी बड़े बड़े बैनर्स हैं वहाँ पे मोस्टली आप बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को आप ले लोगे. उसके बाद कुछ बैनर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं जो नए लोगों को ब्रेक देते हैं. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं न्यू कमर हूँ, बट मैंने काफ़ी सारी मूवीज की हैं. बट या अगर मैं उनके कंपेरिजन में लूंगा तो मेरा भी अभी बहुत कुछ मेरे को हासिल करना है. सो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है और हर दिन आपको प्रूफ करना पड़ता है. हर दिन हम लोग हर दिन गाने बनाते हैं, अपने बैंक में रखते हैं. जैसे आज अगर आप मेरे पास कोई प्रोड्यूसर आएगा तो मेरे पास होली का गाना भी रेडी है, नवरात्रि का गाना भी रेडी है, गरबा का गाना चाहिए ये लो. मतलब ऐसा है कि आज अपॉर्चुनिटी आए तो यू हैव टू हिट एंड हिट इट हार्ड. ये नहीं कि अब हम अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम बनाएंगे, वो प्रोसेस तो अब चला गया. वो अब इतना सुकून लोगों में है ही नहीं. अब सीधे सुनना चाहते हैं, सीधे सुनना चाहते हैं. मोस्टली लोग व्हाट्सएप पे गाने मांग लेंगे आपसे, वो गाना सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होके किसी की वाइफ के पास जाएगा, वहाँ से किसी के भांजे के पास जाएगा, सब सुनेंगे, फिर कोई एक राय आएगी ये अच्छा है, ऐसे 50 गाने उनके पास घूम रहे होंगे, फिर एक गाना सेलेक्ट होगा. ये भी होता है आज की डेट में. सो देर आर, मैं लकी इसलिए मानता हूँ अपने आप को क्योंकि मैंने जब सुपर नानी भी करी थी उसमें इंदु जी इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, वो भी बड़ा बैनर था मारुति इंटरनेशनल. उसमें भी जब प्रोजेक्ट में सुनने गया तो एक उन्होंने बेटा मेरे को बोला बेटा एक भजन है, एक जन्माष्टमी का गाना है और एक बेटा टाइटल सॉन्ग है नानी माँ. तो यहाँ मैं आपको रुक रहा हूँ. अच्छा ये बताइए हाले दिल जी इस सॉन्ग को सुना लोगों ने इतना, और जब आपको ये ऑफर आया कि बेटा एक जन्माष्टमी है, तो मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त.
सर, क्या कर रहा हूं ये रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन अभी ये था कि जब वो होता ना कि जब आपको मैंने बस एक चीज ये समझी थी कि ये सब मेरे लिए एक्सपीरियंस है. अगर इफ आई वांट टू ग्रूम माई सेल्फ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर देन आई हैव टू बी यू नो वर्सेटाइल. मैं ऐसा सोच के कि मैं सिर्फ हाले दिली बनाऊंगा ऐसा तो नहीं हो पाएगा. और मेरे को पता चला रेखा जी हैं उसमें. सो मैंने कहा यार रेखा जी को मैंने बीवी हो तो ऐसी में उनका गाना सुना था भजन, मेरे को एक भजन इन पे करना है ताकि मेरी लाइफ में हो जाए. मैंने रेखा जी के लिए गाना किया है. तो जन्माष्टमी का गाना भी रेखा जी पे था, नानी माँ भी रेखा जी पे था, भजन भी रेखा जी पे था. भजन सुनाई दीजिए ना, भजन एक लाइन. भजन का है नहीं सुनेंगे आपके मुझसे सुनेंगे भाई. प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मैंने श्रेया जी को गवाया था. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो. प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो. खुशियाँ ही खुशियाँ हो आंगन में मेरे, दुख से परे हमेशा मेरा परिवार हो. प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो. प्रभु ये बारंबार करो, मेरे घर का उद्धार करो.